लोगों का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजप्रिया का, आप सभी का फेवरेट प्रोग्राम ट्रेंडिंग भोजपुरी। जी हाँ, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर आप सभी लोगों के लिए हम तमाम तरह की अलग अलग खबरें, अलग अलग जानकारियाँ लेकर हाजिर होते हैं। और आप लोगों को आज शुरुआत करते हैं आप लोगों के बीच हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार यानी कि हमारे खेसारी लाल यादव की खबर से। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ अभी 24 अगस्त को रिलीज हुई खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष धमाल मचा रही है बॉक्स ऑफिस पर, तो वहीं एक बार फिर से खेसारी लाल यादव की एक और फिल्म का जिक्र शुरू हो गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं खेसारी लाल यादव की अगली सुपरहिट आने वाली फिल्म से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। मालूम है आप लोग भी उतावले हो रहे होंगे उस फिल्म के बारे में जानने के लिए, तो हम आपको इस खबर के द्वारा बताते हैं कि आखिरकार वो फिल्म कब रिलीज होगी और उस फिल्म के अंदर क्या कुछ खास आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की फिल्म संघर्ष रिलीज होने के बाद आज फिल्म को रिलीज हुए करीबन काफी समय हो गया है और इसी के बाद ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर जलवा बिखेर रही है। और जैसा कि खेसारी लाल यादव को यकीन था कि ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आएगी और ऐसा हुआ भी। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की उनकी ये फिल्म काफी ज़्यादा लोगों को पसंद आई और देखने के बाद हर किसी ने इस फिल्म की तारीफ ही की। तो वहीं आज खेसारी के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, संघर्ष के बाद अब खेसारी लाल यादव अपनी अगली फिल्म रिलीज होने वाले करने वाले हैं। जी हाँ, जिस फिल्म का नाम है दबंग सरकार। जी हाँ, दबंग सरकार की फिल्म पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है और खबरों के अनुसार कहा जा रहा है कि ये फिल्म दुर्गा पूजा से पहले रिलीज किया जाएगा और इसी के साथ इस साल के अंत तक खेसारी लाल यादव अपने दर्शकों के लिए एक और खास तोहफा लेकर आने वाले हैं। तो देखा आपने दोस्तों, आखिरकार खेसारी लाल यादव की जो फिल्म है दबंग सरकार, भाई उसकी चर्चा तो काफी ज्यादा हो रही है और हो भी क्यों ना भाई, फिल्म के ट्रेलर में ही फिल्म का कमाल दिखा दिया गया है और ट्रेलर को देखने के बाद यह अंदाजा लग गया है कि वाकई में खेसारी लाल यादव की ये फिल्म काफी शानदार होने वाली है। चलिए, जब खेसारी लाल यादव की फिल्म के ही जिक्र कर रहे हैं तो उनकी एक और फिल्म का बात कर ले जो कि काफी ज्यादा चर्चाओं में है और हाल ही में उस फिल्म का मोशन पिक्चर भी रिलीज हो गया। बिल्कुल आप समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ बलम जी आई लव यू का। भाई खेसारी लाल यादव के साथ इस हीरोइन में, इस फिल्म में चार चार हीरोइने नजर आने वाली है, लेकिन कौन सी हीरोइन खेसारी लाल यादव को बलम जी आई लव यू कहने वाली है, किसने कौन खेसारी लाल यादव के साथ इस फिल्म में धमाल मचाने वाली है और ये फिल्म कब रिलीज होने वाला है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की इस साल की फिल्म संघर्ष का धमाल तो आप लोगों ने देख लिया है कि किस तरीके से संघर्ष फिल्म ने लोगों के दिलों में राज कर लिया है। लेकिन इसी के साथ हम आप अगर बात करें खेसारी की अगली फिल्म की, तो उनकी एक और नई फिल्म जल्द रिलीज होने वाली है जिसका रिलीज डेट भी सामने आ चुका है। जी हाँ, खबरों की माने तो इस बार खेसारी के साथ काजल राघवानी की जोड़ी की फिल्म बलम जी आई लव यू के रिलीज तारीख साफ हो गई है। जी हाँ, 14 अक्टूबर को खेसारी की ये फिल्म को रिलीज किया जाएगा, ऐसी खबरें सामने आई हैं। यानी कि आज से करीबन एक महीने कुछ दिन बाकी हैं खेसारी के इस फिल्म के रिलीज होने में। वैसे इसी के साथ खेसारी की एक और फिल्म का जिक्र काफी ज्यादा हो रहा है, वो है दबंग सरकार, क्योंकि इस समय पर दबंग सरकार का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है। लेकिन इन दिनों इन दोनों फिल्मों में किसकी फिल्म, कौन सी फिल्म पहले रिलीज होगी, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। तो देखा आपने दोस्तों, यानी कि इस बार हमारे भोजप्रिया स्टार खेसारी लाल यादव के किसी और से टक्कर नहीं होने वाली है, बल्कि अब की बार आपस में ही खेसारी लाल यादव की दो बड़ी फिल्में टक्कर लेने वाली है और देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है कि कौन सी फिल्म कितनी ज़्यादा दर्शकों को पसंद आ जाती है। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगली खबर में हम जिक्र करते हैं जुगल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म। दिनेश लाल यादव निरहुआ की कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमेशा हमेशा भोजपुरी इंडस्ट्री में याद रहेगी और वो यादगार फिल्म बन चुकी है।
लेकिन जुबल स्टार दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट टू से एक बुरी खबर सामने आ गई है, और देखा जाए तो आज के समय में ये सबसे बड़ी खबर मानी जा रही है। आखिरकार भोजपुरी इंडस्ट्री के जो स्टार हैं जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ, उनकी रिलीज हो गई फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी टू से क्या बुरी खबर आई है, चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। स्टार्ट योर करियर विद अस। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसी फिल्में बनी हैं जो कि सुपरहिट तो साबित हुई हैं, लेकिन वो फिल्म भी भोजपुरिया बॉक्स ऑफिस के साथ साथ, भोजपुरिया फैंस के साथ साथ, वो भोजपुरी जो नहीं समझते उन्हें भी वो फिल्में पसंद आई, जिनमें से जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी 2 है, जो कि साल 2017 में रिलीज की गई। और इस फिल्म में निरहुआ अमरपाली के साथ भोजपुरी की नई नवोदित अदाकारा संचिता बनर्जी की कलाकारी ने लोगों के दिलों पर इस कदर राज कर लिया कि बॉक्स ऑफिस के साथ साथ इस फिल्म ने यूट्यूब पर भी व्यूज के मामले में एक नया इतिहास कायम कर दिया था। लेकिन आज इस फिल्म से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, निरहुआ की इस फिल्म को यूट्यूब पर से डिलीट कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। और जो दर्शक इस फिल्म को सोशल मीडिया पर बार बार देखा करते थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं काफी ज्यादा निराशा हुई है। लेकिन इस फिल्म को किस वजह से या किस कारण से डिलीट किया गया है, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया। तो देखा आपने दोस्तों, आखिरकार हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जुबल स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ की करोड़ों व्यूज पा चुकी फिल्म निरहुआ हिंदुस्तानी पार्ट टू को यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिया गया। वैसे फिलहाल इसकी वजह सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जैसे ही इस फिल्म से जुड़ी या हमारे स्टार से जुड़ी कोई खबर आती है तो डेफिनेटली हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे इस खबर को। फिलहाल बढ़ जाते हैं अगली खबर की ओर। आज जिक्र करते हैं एक ऐसी सिंगर का। जी हाँ, हमेशा हम एक्शन हीरो हीरोइन खूबसूरती का जिक्र करते हैं, लेकिन आज हम आवाज़ की खूबसूरती का जिक्र कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी हीरोइन के बारे में, एक ऐसी कलाकारा के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने भोजपुरी में तो कमाल किया ही है, लेकिन इसी के साथ उनका धमाल बॉलीवुड में भी देखने के लिए मिला है। और वो हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत हीरोइन अक्षरा सिंह की बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। तो चलिए आप लोगों को मिलाते हैं एक बहुत सुपरहिट गाने गाने के बावजूद भी एक गुमनामी की तरह रह रही है हमारी एक खास कलाकारा से। स्टार्ट योर करियर विद अस। हिंदी के रियलिटी म्यूजिकल शो सारेगामापा की विजेता रह चुकी है रिनी चंद्रा की सुरीली आवाज आप लोगों ने कई शो या बॉलीवुड के गानों में सुनी है, लेकिन रिनी सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि भोजपुरी गाने भी गाती हैं। दबंग सरकार के एक गाने में रिनी ने अपनी आवाज दी है, जिस गाने के बोल हैं, हो रानी कोयल जैसन मीठा बोली बोल के ले गईलू दिल सीना खोल के ना। इस गाने के अलावा रेनी ने खेसारी की फिल्म नागदेव में भी गाने गाए हैं। इसी के अलावा पवन सिंह की फिल्म शेर सिंह में भी रेनी ने अपनी आवाज दी है। इन सुपरस्टार और सुपरहिट स्टारों के अलावा रेनी बहुत जल्द एक और फिल्म में अपनी आवाज देने वाली है, जिसका नाम है बेटी कहे पुकार के। जाते जाते बता दें कि रेनी अभी तक कई सारे भोजपुरी गाने गा चुकी है। उनकी सुरीली और मीठी आवाज में हर गानों को दर्शक अपना अता प्यार देते हैं। तो देखा आपने दोस्तों, ये थी आज की भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम खबर, तमाम जानकारियां जो कि आपके स्टार और उनकी फिल्मों के साथ जुड़ा था। खैर दोस्तों, आज हमने आपको कोशिश की कि सुबह जो हमारी पूरे दिन की जो ताज़ा तरीन खबरें होते हैं वो आप लोगों तक पहुंचा सके। और आप लोग का बारी है कि आप हमें नीचे प्रोग्राम पे कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहिए, ऐसे ही हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज़ भोजपुरिया को अपना प्यार देते रहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को ऐसे ही मिलता रहे। और साथ में हमारे प्रोग्राम पे लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों। अभी मैं आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत, लेकिन कल एक बार फिर से नई खबर, नई जानकारी, नए अंदाज के साथ लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। Start your career with us.